हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू GDC फार्मा जॉब्स। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसे हम ECHS के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आई हुई है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है पोस्ट, किस प्रकार से अप्लाई करना है आपको और क्या कुछ रहने वाला है लास्ट डेट। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है आई हुई है गुवाहाटी की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है लास्ट, जहाँ पर दिया गया है ये 2 जनवरी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो लास्ट डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा इस गुवाहाटी वाले में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो PDF ओपन नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका PDF ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो जैसे हम देखते हैं फार्मासिस्ट की क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी फार्मेसी के स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, ठीक है। 10+2 साइंस होना चाहिए, तो कॉमन बात है, यदि हम बी फार्मेसी से हैं तो साइंस से ही रहेगा, है ना। अब देखिए दिया गया है क्या, बी फार्मेसी रहना चाहिए एलिजिबल, साथ ही साथ अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट मीन्स यहाँ पर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी दोनों के स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, ठीक है। और क्या कुछ पोस्ट है, तो 1 पोस्ट ही रहने वाली है, है ना। और यहाँ पर देखेंगे 28,100 रहने वाला है पर मंथ पे स्केल, ओके। फ्रेशर्स कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल, जहाँ पर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों के ही स्टूडेंट रहेंगे एलिजिबल, ठीक है। और पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार से क्या कुछ दिया गया है। तो आप देखेंगे टर्म एंड कंडीशन क्या कुछ है, और जो भी आपको डाउट रहेगा तो ये दिए गए नंबर में आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। और ईमेल भी दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए लास्ट डेट जो रिसिप्ट की रहेगी वो क्या कुछ है, तो वो है 2 जनवरी तक आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट है, फोटोज़ हैं, है ना, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके इनको क्या करना होगा, 2 जनवरी से पहले ही यहाँ पर सेंड करना है आपको, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इंटरव्यू की क्या कुछ डेट है, तो इंटरव्यू की डेट रहने वाली है 6 जनवरी, ठीक है। 6 जनवरी रहने वाली इंटरव्यू की डेट, और यहाँ पर इंटरव्यू के दिन आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट और रिजल्ट लेकर जाने होंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से एक बार और रीड आउट कर लेंगे। इसका PDF दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे आप डाउनलोड करके यदि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं इस वैकेंसी के लिए, तो ज़रूर से एक बार पूरे इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर से एक बार रीड कर लेंगे, ओके। तो ये जो वैकेंसी है वो भी अच्छी है, जहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो रहने वाले हैं एलिजिबल। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।